वैसे डॉक्टर साहब, ईशान को कब तक होश आ जाएगा और उसे और कितने दिन यहाँ रखना पड़ेगा? होश तो 3-4 घंटे में। कब आया? बस बाबूजी, अभी बस पहुंचा और पता चला वो फिर मैं श्रीवास्तव जी का सीधा हॉस्पिटल आ गया। सर, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताने के लायक भी नहीं समझा। मैं जानता हूं सर कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आपसे सवाल कर सकूं या फिर आपसे शिकायत कर सकूं, पर आपने हमेशा हमें इम्प्लॉई कम और अपना पर बच्चा जाना है, इसी हक से पूछ लिया सर, सॉरी। ऐसा नहीं है श्रीवास्तव जी, आप मेरे बच्चे जैसे ही हो। बच्चे जैसे नहीं, बच्चे ही हो। पर क्या करें, वक्त ही ऐसा था कि होश ही नहीं रहा। I understand, सर। पर सर, हम जब भी तकलीफ में होते थे या मुसीबत में होते थे, सबसे पहले आके आपको बताते थे, क्योंकि हम आपको अपना पिता मानते हैं। तो अपना बेटा समझकर ही बता दिया होता सर, अब तो ऐसा लगता है जैसे एक पल में ही आपने हमें पराया कर दिया। नहीं 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 श्रीवास्तव जी, इन छोटी छोटी गलतियों से कभी अपने पराए होते? आप हमारे अपने थे, हैं और हमेशा अपने रहेंगे। रही बात ना बताने की, तो इस वक्त श्रीवास्तव जी मुझे ईशान के अलावा ना कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। मैं समझ सकता हूं सर, इसलिए तो कह रहा था। अगर आप बता देते तो ईशान सर की तकलीफ तो नहीं कम कर पाता, लेकिन लेकिन आपके साथ भागदौड़ में आपका हाथ तो बटा सकता था। श्रीवास्तव जी, मैंने आपको और चड्डा जी को अपने रणबीर और ईशान से कम नहीं समझा कभी। और फिर मेरी गैर मौजूदगी में आप ऑफिस को संभाल कर मेरा हाथ ही तो बटा रहे हो ना। हाँ श्रीवास्तव जी, वीरू ठीक कह रहा है। जब भी मैंने वीरू से कहा कि एक बार ऑफिस जाकर वहां का हालचाल देख लो, तो इन्होंने कहा नहीं, वहां श्रीवास्तव जी हैं, अगर वो वहां है तो समझ लो कि मैं हूं। आपके रहते इन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। सर, ये तो बड़े सर का प्यार और बड़प्पन है कि वो हम पर इतना भरोसा करते हैं। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ बड़े सर का ही तो सिखाया हुआ है, और फिर ये बड़े सर का प्यार ही तो है जो आज हम सर से शिकायत कर पा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप श्रीवास्तव जी, आपकी शिकायत जायज है और आपका हक भी है, पर अब क्या करूं, गलती तो कर चुका हूं। अरे सर, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया, ईशान सर अब कैसे हैं? आज ही उसका ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है, बस उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। और सर रणवीर सर? वो भी ठीक है। उनसे मिल सकते हैं सर? हाँ। रणवीर पाजी से मुझे मिलना है। हाँ बेटा जाओ, उसका कमरा वहाँ है, मिल सकते हैं। जाओ।
मामा, अब तो ऑपरेशन अच्छे से हो गया है ना, अब तो आप खुश हो जाइए। आपने देखा ना रणवीर और ईशान भैया को? पर पुत्र तू वापस क्यों चली आई? मामा, ईशान भैया के रूम में अंदर नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको पुत्र? सिमरन पुत्र कहाँ है? रणबीर कैसे पुत्र? जी अभी बेहोश है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में पूरी तरह से होश में आ जाएंगे। पुत्र ऑपरेशन ठीक हो गया, अब तुम सबको घर ले जाओ। नहीं जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने ईशान और रणबीर को छोड़कर, मैं यहीं रहूंगी। पहले मैं उन दोनों से मिलूंगी। बाबूजी, अगर मामा का मन है तो रहने दीजिए ना, घर जाकर बेवजह परेशान होती रहेंगी। उधर हॉस्पिटल में इतने लोगों का रुकना ठीक नहीं है, बाकी भी पेशेंट हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे शौक है यहाँ रहने का, मेरे दोनों बच्चे यहाँ हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुखी, समझने की कोशिश करो, दोनों का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, दोनों बेहोश हैं और उनको होश में आने में अभी वक्त लगेगा। तुम यहां बैठी रहोगी, मिल तो पाओगी नहीं किसी को। हाँ मम्मी जी, बाबूजी एकदम ठीक कह रहे हैं, इतनी देर रहकर यहां पर करेंगे भी क्या, घर चलते हैं। हाँ सुखी, काम करते हैं ना, हम लोग घर चलते हैं, जब दोनों को होश आ जाएगा तो फिर वापस आ जाएंगे। मामा बाबूजी ठीक कह रहे हैं, हॉस्पिटल में इतनी भीड़भाड़ रहने से दूसरे पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जब डॉक्टर ईशान भैया से मिलने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको फिर वापस ले आऊंगी हॉस्पिटल में। चलो ठीक, चलो। सर, 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 अब आप लोग घर जाकर आराम करिए, हम लोग हैं यहाँ पर। श्रीवास्तव जी, अब मैंने सबको भेज दिया, आप भी जाओ, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा। सर मैंने सुना है आप कितने दिन से यही हॉस्पिटल में ही हैं, ना घर गए हैं ना आपने आराम किया है, और फिर अब तो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया है, आप जाकर आराम करिए, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। हाँ फूफा जी, आप लोग जाइए, हम हैं ना यहाँ पर। श्रीवास्तव जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। आप चले जाइए, कल सुबह आपने ऑफिस में संभालना होगा। सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए और कल थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी चले जाइएगा, बाकी मैं तो यहां हूं ही। नहीं श्रीवास्तव जी, मैंने सुखी से वादा किया कि मैं
ईशान को अपने साथ लेकर आऊंगा। तो मैं ईशान को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, उसके बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं कि आप अपने वादे के कितने पक्के हैं। और मैं सर आपको अपना वादा तोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन आई एम सॉरी सर, मैं अब यहां ईशान सर और रणवीर सर को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। सर आपकी डांट खानी मंजूर है, आप चाहे जो सजा दे दें सर मुझे मंजूर है, पर मैं उन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं श्रीवास्तव जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर ये कह रहे हैं तो इनकी बात मान लो, तुम थोड़ा आराम कर लो। अब पर श्रीवास्तव जी ऑपरेशन तो हो चुका है, वैसे फिर हम यहाँ रहकर सब लोग क्या करेंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ सर, आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर हैं, ठीक से सोए हैं ना, आराम किया है, आप लोग जाकर घर पर आराम करें, मैं हूं ना यहाँ पर। श्रीवास्तव जी देखिए, ना मैं और ना ही रख दोनों ऑफिस नहीं जा पाए, ऐसे में अगर आप भी वहां नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, हमें ऑफिस भी तो संभालना है। सर अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ घंटे और दो घंटे के लिए ऑफिस चला जाऊंगा सर, लेकिन जब तक ईशान सर और रणवीर सर यहां पर हैं मैं यहां से नहीं जाने वाला सर। I'm sorry सर, पहली बार या फिर समझ लीजिए कि आखिरी बार मैं आपकी बात की अवहेलना कर रहा हूं। चलो। अरे श्रीवास्तव क्या समझाओ इनको, देख वीरू तो कौन कहता है कि इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है और दुनिया स्वार्थी हो गई है, और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी प्यार और अपनेपन की कदर करना जानते हैं। रो रही है? हाँ मामा, अब तो ऑपरेशन भी ठीक से हो गया, फिर आप क्यों रो रही हैं? सुखी, अब तो माता रानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, फिर रोना किस लिए? वही तो कर रही हूँ परचाई जी। पुत्र ये खुशी के आंसू है जो माता रानी ने मेरी अरदास सुन के मुझे दिए हैं। देख लिया सुखी, मैं कहती थी ना कि माता रानी सब ठीक करेगी, कर दिया ना माता रानी ने सब ठीक। और आप देखना मामा, ईशान भैया ना जल्दी ठीक होकर घर आएंगे वापस आपके पास। न जाने पुत्र मेरे ईशान को किसकी नजर लग गई, एक बार विदेश अपनी नजरों से दूर पढ़ने के लिए भेजा, उसके बाद पास लाने के लिए नजरें तरस गई मेरी। सही कह रही है मामा, जो ईशान भैया एक पल के लिए भी इस घर से और हमसे दूर नहीं रहते थे ना, पता नहीं वो हम लोगों से इतने दिन तक दूर कैसे रह गए। सुखी, इंसान वक्त और हालात के सामने मजबूर हो जाता है, वो चाहे कुछ भी सोच ले पर उसे हालात के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं।
पर जो वक्त ऐसे हालात पैदा करता है ना, वही वक्त उन हालातों से छुटकारा भी दिलाता है। सही कह रही है परचाई जी, आज तक वक्त ने ऐसे हालात पैदा ही नहीं किए थे, इसलिए इसका एहसास नहीं था, पर अब हो गया है। मामा, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ईशान भैया ने ना ये सब कुछ हमारी खुशियों के लिए किया, हमें तकलीफ ना हो इसलिए वो सारी तकलीफें अकेले सहते रहे। अब ऐसे भाई पर और ऐसे बेटे पर किसे नाज नहीं होगा। तू सही कह रही है पुत्र, रणबीर ने इस घर के लिए जो कुछ भी किया वो सबकी नजरों के सामने है। परेशान, उसने हमारी खुशी के लिए वो अकेले ही जहर का घूंट पीता रहा। माता रानी ऐसी औलाद किस्मत वालों को ही देती है। सुखी, तू बहुत किस्मत वाली है कि ईशान और रणबीर तेरे बेटे हैं, अक्कू और सिमरन जैसी बेटियां हैं। हाँ, तो माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि तेरे इस घर को और इस घर की खुशियों को हमेशा आबाद रखे। सिमरन पुत्र, सिमरन पुत्र। अरे मामी जी, आप बैठिए ना। सिमरन पुत्र, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ आज, मैं तो तुझसे माफी मांगने आई हूँ। माफी किस बात की? पुत्र, उस दिन ना जाने बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। अरे तो क्या हुआ मामी जी, आप मुझसे बड़ी हैं और मेरी गलती पे आपको डांटने का पूरा हक है, उसे माफी मांगने वाली कौन सी बात है। पुत्र, गलती तो मैंने की है और फिर गलती बड़े करें या छोटे, गलती तो गलती होती है ना। माफी मांग लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मामी जी, यूं बार बार माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं पुत्र, मैं तुझे शर्मिंदा नहीं कर रही हूं, मैं खुद शर्मिंदा हूं। पुत्र, मैंने बिना सोचे समझे बलदेव भाई साहब पर उंगली उठाई, उन पर इतने लांछन लगाए। अरे, जिस इंसान ने इस परिवार की खुशियों के लिए अपनी सारी की सारी खुशियां दांव पे लगा दी, पुत्र मैंने तेरी जैसी बच्ची को गलत कहा, जो हर पल हर वक्त इस घर की भलाई घर की खुशियों के बारे में सोचती है। मामी जी, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी किसी भी बात से नाराज नहीं हूं। वैसे भी मैं जानती हूं कि आप ईशान जी और रणवीर जी से कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूं आप उस दिन जो कुछ भी कह रही थी वो आप नहीं बल्कि आपके मुंह से उनका वो प्यार कह रहा था जो आप ईशान जी और रणवीर जी से करते हैं। और वैसे भी आप ही बताइए कि जो मेरे पति से इतना प्यार करती हूं, उनका इतना दुलार करती हूं, उनसे भला मैं कैसे नाराज हो सकती हूं। तेरा दिल बहुत बड़ा है, माता रानी तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। पुत्र, एक बार अपनी मामी को माफ कर दे। मामी जी, मैंने आप लोगों से ही सीखा है, बड़ों की डांट उनकी सीख को सर माथे रखना चाहिए। हो सकता है उस पल में वो सीख या डांट छोटी लगे, लेकिन आगे चलकर जिंदगी में वो संजीवनी का काम करते हैं। और वैसे भी मामी जी, उस वक्त आपको जो ठीक लगा वो आपने किया, लेकिन तब तक मैं वो गलती कर चुकी थी और चाहकर भी उसे सुधार नहीं सकती। पुत्र, तुमने जो किया वो गलती नहीं थी, दरअसल तुमने जो किया
वो ना तो कोई बहू और ना ही कोई बेबी कर सकती है। हमें तो बाद में पता चला कि ईशान नहीं चाहता था कि ये बात घर वालों को पता चले। उसने अपनी कसम देकर तुम्हारा और बलदेव भाई सबका मुंह बंद करा दिया और तुम लोगों ने तो अपनी कसम निभाई। पुत्र, मैं गुनाहगार बनकर नहीं जीना चाहती, मुझे माफ कर दे। नहीं मामी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और मेरी गलती करने पर आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। और वैसे भी अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की डांट से यूं ही नाराज होता रहा तो वो उनकी दी हुई शिक्षा, उनके संस्कार कैसे सीखेगा। मामी जी, आप हमारे आदर्श हैं, हमसे बड़े हैं, हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, फिर हमसे ही माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। जीती रहे पुत्र, भगवान तेरे जैसी बेटी सब पुत्र। बाबा जी, मैं यही हूं बेटा, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।